नमस्कार दोस्तों, मैं रवि शेखर। इस वक्त आप हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं और ये वीडियो हमारे इस चैनल का 100वां वीडियो है, यानी 99 वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं और ये 100वां वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और इस 100वें वीडियो से हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं। मैं कुछ किताबों की चर्चा करना चाहता हूं जो मैं पढ़ रहा हूं और जिसने मेरे जीवन में कुछ न कुछ जोड़ा है। आज एक खास किताब की चर्चा है और वो है अपने दोस्त ललित कुमार की किताब विटामिन जिंदगी। ललित कुमार जो है, ललित कुमार को हम लोग कविता कोश और गद्य कोश के जरिए जानते हैं और उनसे मेरी फेसबुक की दोस्ती रही है, फोन पे बातें होती रही है, लेकिन उनके बारे में ज्यादा जानकारी हमें इस किताब के जरिए ही पता चली। ललित कुमार ने अपनी किताब विटामिन जिंदगी के बैक कवर पे क्या लिखा है ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। जिस तरह शरीर को विभिन्न विटामिन चाहिए, उसी तरह मन को भी आशा, विश्वास, साहस और प्रेरणा जैसे विटामिनों की जरूरत होती है। हमारा सामना समस्याओं, संघर्ष, चुनौतियों और निराशा से होता ही रहता है। इन सबसे जीतने के लिए हमारे पास विटामिन जिंदगी का होना बेहद आवश्यक है। ललित का सफर असामान्य से असाधारण तक का सफर है। पोलियो जैसी बीमारी ने उन्हें सामान्य से असामान्य बना दिया, लेकिन अपनी मेहनत और जज्बे के बल पर उन्होंने स्वयं को साधारण भीड़ से इतना अलग बना लिया कि वे असाधारण हो गए। इसी सफर की कहानी समेटे यह किताब जिंदगी के विटामिन से भरपूर है। तो दोस्तों, 4 साल की उम्र में ललित कुमार को पोलियो हो गया था। ज्यादातर जो विकलांग जन होते हैं, जिनके हाथ पैर ठीक काम नहीं करते, मेरा मानना है कि हम सारे लोग कहीं ना कहीं विकलांग हैं। बहुत से लोग, हम सारे लोग शारीरिक रूप से विकलांग भले ना हो, लेकिन मानसिक रूप से हम कुछ ज्यादा ही विकलांग हैं और ये बड़े दुख की बात है। और यही विकलांगता, समाज की यह विकलांगता जो है, बार बार ललित कुमार की किताब में आती है कि वो शरीर से विकलांग जरूर हैं लेकिन मन से विकलांग नहीं है, जिसके जरिए उन्होंने जीवन की यह ऊंचाई अर्जित की है। मैं लगातार रोए जा रहा था। माँ मुझे सुलाने की कोशिश कर रही थी पर मैं बिल्कुल नहीं सो पा रहा था। सुलाने के सभी प्रयासों में असफल रहने के बाद आखिर वह पलंग पर बैठ गई और मुझे अपनी गोद में लेकर अपने नर्म हाथों से मेरे माथे को सहलाने लगी। वह काफी देर तक मुझे शांत करने की कोशिश करती रही। मैं कुछ भी बोल नहीं रहा था, बस रो रहा था। मां को इस बात का कोई अंदाज नहीं था कि मैं इतना क्यों रो रहा हूं। उन्हें लगा कि शायद मुझे कहीं दर्द है। उन्होंने दर्द की ओर से मेरा ध्यान हटाने के लिए एक माँ द्वारा अपनाए जाने वाले सभी तरीके अपनाए। मुझे बाहों में झुलाया, गले से लगाया, चूमा, मेरे साथ खेलने की कोशिश की और इसी कोशिश में माँ ने मुझे पलंग पर खड़ा किया। लेकिन फिर उन्होंने जो देखा उससे उनका दिल दहल गया। मैं खड़ा ही नहीं हो पाया और एक बेजान पत्थर की तरह उनकी गोद में गिर गया। मां ने मुझे फिर से खड़ा करने की कोशिश की लेकिन मेरे पांव मेरा वजन नहीं उठा पा रहे थे। मैं फिर से उसी तरह गिर गया। मां ने फिर कोशिश की लेकिन फिर वही नतीजा। अब मां बहुत अधिक डर गई थी। उन्हें एहसास हो गया था कि जिस तरह से मैं गिर रहा था उसका कारण केवल कमजोरी नहीं थी, बात अवश्य कुछ और ही थी। गिरते समय मेरा शरीर कोई प्रतिरोध नहीं कर रहा था। मां ये सब देखकर घबरा गई और उन्होंने आंगन में चारपाई पर उम्मीदी सी लेटी मेरी अम्मा को आवाज लगाई। अम्मा जी, ललित अपने पांव पर खड़ा नहीं हो पा रहा है। मैं इसे सहारा देकर खड़ा कर रही हूं तो भी खड़ा नहीं हो रहा है। मां ने लगभग रोते रोते कहा था। अम्मा यह सुनकर मां के पास आई। ऐसा कमजोरी की वजह से हो रहा होगा बच्चा, कई दिन से बुखार नहीं उतरा ना। ललित को मुझे दे दे, तू कुछ आराम कर ले। अम्मा ने मां को तसल्ली देते हुए कहा। अम्मा मुझे ललती ही कहती थी,
अब अम्मा मुझे गोद में लेकर चुप कराने की कोशिश करने लगी। माँ ने जो कहा था उसे जांचने के लिए अम्मा ने मुझे पलंग पर खड़ा किया। नतीजा फिर वही, मैं खड़ा नहीं हो पाया और एकदम से पलंग पर गिर पड़ा। ये वो दिन था जिस दिन जो है उनको पोलियो हुआ, और उसके बाद जो शुरू हुई एक लंबी संघर्ष कथा शुरू हुई कि कैसे कैसे उन्होंने जो है स्कूल गए तो क्या हुआ उनके साथ, मास्टरों का व्यवहार, अध्यापकों का व्यवहार कैसा था, हमारे पूरे सिस्टम का, हम जो है कितने सेंसिटिव हैं और कितने संवेदनहीन हैं ऐसे बच्चों को लेकर जो किसी वजह से शारीरिक रूप से ठीक नहीं है, और इसका पूरा उनके जीवन पर असर रहा है। इन्होंने जो है इससे कभी हार नहीं मानी। ललित ने इस किताब को 3 भागों में बांटा है, गिरना, संभलना और उड़ना। और ये जो एक्चुअली ये किताब नहीं है, ये जीवन है। अगर किताब होती तो हम शायद इसको टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ पाते, लेकिन मैं लगातार देख रहा हूँ कि ज़्यादातर लोगों ने जो है इसको एक ही बार में पढ़ा है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि उस दिन 21 जून थी, 21 जून पूरे विश्व में योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, और उसके ठीक एक दिन पहले शाम को ये किताब अमेज़न से मेरे पास आई थी, और मैंने थोड़ा सा कुछ पेज जो है एक दिन पहले शाम को पढ़े थे, लेकिन अगले दिन जब मैंने किताब पढ़नी शुरू की तो अगले 3-4 घंटों में ये मैंने पूरी किताब ख़त्म कर दी। इसको रखने की कोई गुंजाइश नहीं थी, लेखक ने बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं छोड़ा है कि बीच में आप रुक जाएं और थोड़ा सा कुछ और कर पाएं। तो ये बहुत दिनों बाद किसी किताब में नहीं मुझे पकड़ा, इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि ये किताब नहीं, ये ज़िंदगी है, और ये ललित कुमार का जीवन और उनकी जो जद्दोजहद है, जो उन्होंने सोचा है उसको पूरा करने का, उसको मुकम्मल करने का, उसको पाने का, और उसके लिए उन्होंने जो 500% एनर्जी अपनी इसमें लगाई है वो तो कमाल है। ललित लिखते हैं, मैं असामान्य था और मुझे असाधारण बनना था। असामान्य से असाधारण की राह अविश्वसनीय रूप से कठिन होती है। मेरे लिए न केवल राह कठिन थी बल्कि एक समस्या ये थी कि समाज ने असामान्य को तो बहुत आसान तरीके से परिभाषित किया था, जो सामान्य न हो वह असामान्य है, लेकिन असाधारण की कोई तय परिभाषा नहीं है। तो न केवल मेरी राह मुश्किल थी बल्कि मेरी मंजिल का कोई अता पता भी नहीं था। मैंने अपने मन में बस इतना संकल्प लिया था कि एक दिन समाज में बराबरी हासिल करके दिखानी है। जो बच्चे मेरा मजाक उड़ाते थे, मुझे एक दिन वहां पहुंच जाना है जहां वे मेरा मजाक न बना सकें। मेरे लिए असाधारण की यही परिभाषा थी। और ये यात्रा जो है उन्होंने कैसे तय की, कैसे हुआ, ये मैं आपको पढ़ के सुनाने वाला नहीं हूँ, बताने वाला नहीं हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप इसको खुद खरीदें, पढ़ें और इससे प्रेरणा लें। हिंदी में जो है सेल्फ हेल्प की बहुत सारी किताबें हैं जो अंग्रेज़ी की किताबों का ट्रांसलेशन होती हैं, और ऐसी बहुत सारी किताबें हमने भी अपने उम्र के एक दौर में पढ़नी शुरू की थी, और ऐसा लगता था कि जीवन की जो कठिनाइयां हैं, जो संघर्ष है, जो चैलेंजेज हैं, उनको लेके जो है हमें कभी न कभी एक सहारे की ज़रूरत होती है, और ऐसे में उन किताबों ने मेरा काफ़ी सहारा दिया, काफ़ी साथ दिया, और ख़ास तौर से जब मैं बड़ा हो रहा था तो एक ऐसे नवयुवक के रूप में बड़ा हो रहा था जो ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स भारतीय मूल्य हैं उनको चैलेंज करने की कोशिश हो रही थी, और ऐसे में उन किताबों ने मुझे बहुत हेल्प की एक व्यक्तित्व के विकास को लेके, ये चीज़ों को कैसे फेस करना है जीवन में, कैसे निर्णय लेना है, खुद को कैसे विकसित करना है। लेकिन वो ज़्यादातर किताबें जो है अंग्रेज़ी में थी, जो हमने पढ़ी तो अंग्रेज़ी में थी। अभी बाद के दौर में उनके हिंदी अनुवाद जो है तेज़ी से लोकप्रिय हुए हैं, और इस श्रृंखला में मुझे लगता है कि अगर कोई ओरिजिनल किताब है, कोई मूल किताब है और जो सीधे जिंदगी से आती है, जिसमें किसी तरह का की प्रीचिंग नहीं है, किसी तरह का उपदेश नहीं है, एक जिंदगी की किताब खोल के रख दी सामने, अपने जीवन को खोल के रख दिया। और जैसा कि ललित ने इसमें लिखा भी है कि उन्होंने जब ये लिखना शुरू किया था तो ये ऐसा कभी नहीं सोचा था कि ये जो है एक किताब के रूप में सामने आएगी। ये उनकी
डायरी के पृष्ठ थे जो उन्होंने अपना अपना गम गलत करने के लिए या अपने आप को सांत्वना देने के लिए लिखे होंगे कभी। और ये बहुत हिम्मत का काम है कि कोई व्यक्ति अपने इस तरह की डायरी को, अपने कमजोर क्षणों को, अपने संघर्षों को, अपने कमजोरियों को एक खुले आम लोगों के सामने रख दे। और इसके लिए बहुत बहुत दम चाहिए व्यक्ति में, जो दम निश्चित रूप से ललित में है। और मुझे लगता है कि ये किताब जो है उसने मुझे काफ़ी प्रेरणा दी है। इस किताब को पढ़ते वक्त कई बार मैं डिप्रेस हुआ, दुखी हुआ, रोया भी। और उसके बाद मुझे लगा कि जो है जिंदगी जो है कैसे नए पर भी दे सकती है, नई उड़ान दे सकती है। जैसे कहा जाता है कि सोना जो है वो खरा तभी होता है जब उसको जलाया जाए, तपाया जाए। और निश्चित रूप से ललित जो है एक खरे तपे हुए सोने हैं। तो ये जो सेल्फ हेल्प की बुक्स थी, ये जो है बहुत सारी कहानियों को संपादित करके और आपको प्रेरणा देने की कोशिश की जाती है। लेकिन ये जो किताब है विटामिन जिंदगी ललित कुमार की, ये किताब जो है ये किताब नहीं है, ये जिंदगी है। ये उस व्यक्ति का भोगा हुआ यथार्थ है, जो उसने जिया है, रोया है, खुश हुआ है और जो अचीव किया है, उसकी एक दास्तान है। इसके लिए ये किताब जो है हमारे दिल के बहुत करीब है। और इसको पढ़ने के बाद जो है ललित को मैं ज़्यादा जान पाया हूँ, वो मेरे ज़्यादा गहरे दोस्त, एक अपनापन ज़्यादा विकसित हुआ है। और ललित कुमार से मेरी फ़ोन पे बात भी होती रहती है। और मैंने देखा है कि जब भी किसी छोटे मोटे काम के लिए मैं उनको हेल्प मांगता हूँ, वो तुरंत कैसे जो है उसको कर देते हैं, कैसे उसमें हेल्प करने की कोशिश करते हैं। तो ये उनके व्यक्तित्व का हिस्सा है। और एक जो बहुत मज़ेदार बात है कि वो जल्दी फ़ोन नहीं उठाते हैं, इसलिए मैं उनको फ़ोन जल्दी करता भी नहीं हूँ। और ख़ास तौर से मेरी उनकी बातचीत जो है फेसबुक के मैसेंजर में होती है, लेकिन वो जिस तत्परता के साथ जवाब देते हैं, जैसे ही उनको टाइम मिलता है वो जवाब देते हैं, वो काबिले तारीफ है। तो आजकल सोशल मीडिया की वजह से और की वजह से जो लेखक और पाठकों का जो रिश्ता है, और भी लेखकों के साथ मेरे ऐसे रिश्ते बने हैं जिनकी चर्चा मैं आगे की वीडियो में करूँगा। और फिलहाल मैं चाहता हूँ कि आप ललित की किताब पढ़ें और अपने जीवन में प्रेरणा लें, और दूसरों को भी सजेस्ट करें कि ये किताब जो है बहुत अच्छी है और उसने आपके जीवन में क्या जोड़ा है। और मुझे पूरा यकीन है कि इस किताब को पढ़ने के बाद आपके दिलो दिमाग में, जहन में, ख़ास तौर से विकलांग लोगों के प्रति जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज़्यादा अच्छी होगी, ज़्यादा प्रगाढ़ होगी, और आप जो है उनको एक बेहतर जिंदगी देने में हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। किताब का नाम है विटामिन जिंदगी और इसके लेखक हैं ललित कुमार। ये ललित कुमार की आत्मकथा है। ललित कुमार राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता रोल मॉडल हैं और ये किताब जो है प्रकाशित किया है एका प्रकाशन ने, जो वेस्टलैंड हिंदी युग्म का प्रकाशन है। और इसका मूल्य है 199 रुपये, लेकिन अगर आप इसे अमेज़न से ख़रीदते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, कुछ कम में मिलेगा। और अमेज़न का लिंक यहाँ नीचे दिया हुआ है। और सबसे ज़्यादा बधाई, शुभकामना ललित कुमार को, जिन्होंने एक असामान्य जीवन को असाधारण बना दिया।